60 साल के बाद सतत तीसरी बार देश की जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है। मैं आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं, ये विपक्ष को जो चैचे करनी है करने दीजिए, आप चिंता मत करिए, 29 में भी एनडीए ही आएगा, मोदी जी। उनको ये मालूम नहीं है कि 3 चुनाव में कांग्रेस को जितनी सीटें मिली उससे ज्यादा सीटें बीजेपी इस चुनाव में जीती। न केवल सरकार 5 साल पूरा करेगी, अगली टर्म भी इसी सरकार की है। विपक्ष में बैठने की तैयारी रखना और ढंग से ऑपोजिशन में काम करने की पद्धति सीख लेना। 60 साल के बाद सतत तीसरी बार देश की जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है और एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 60 के दशक के पहली बार कोई एक व्यक्ति, कोई एक संगठन, कोई एक दलों का समूह पूर्ण बहुमत के साथ फिर से प्रधानमंत्री बन रहा है। एक प्रकार से देश की जनता ने मोदी जी के कामों पर थप्पा लगाने का काम किया है और मैं आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं, ये विपक्ष को जो चैचे करनी है करने दीजिए, आप चिंता मत करिए, 29 में भी एनडीए ही आएगा, मोदी जी। उनको लगता है कि कुछ सफलता मिलने से हम चुनाव जीत गए हैं। उनको ये मालूम नहीं है कि 3 चुनाव में कांग्रेस को जितनी सीटें मिली उससे ज्यादा सीटें बीजेपी इस चुनाव में जीती, ये इनको मालूम नहीं है। और उनके पूरे गठबंधन की टोटल जितनी सीटें हैं, अकेली एनडीए के एक ही दल बीजेपी की इनसे ज्यादा सीटें हैं। मैं ये लोग जो अस्थिरता फैलाना चाहते हैं, वो बार बार कहते हैं कि ये सरकार चलने वाली नहीं है। मैं उनको एक विश्वास दिलाने आया हूं, उनको, विपक्ष के मित्रों को, जनता को तो भरोसा है ही, न केवल सरकार 5 साल पूरा करेगी, अगली टर्म भी इसी सरकार की है। विपक्ष में बैठने की तैयारी रखना और ढंग से ऑपोजिशन में काम करने की पद्धति सीख लेना।